हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और आज हो गई है सैटरडे, आज हो गई है सैटरडे। एनीवेज, दोनों में से कोई एक चीज हो गई है या हो गया है। एंड बज रहे इस समय 9:15, अभी ठीक से मैंने टाइम देखा नहीं है। एक्चुअली मेरे घर में एक चीज की कमी है, मेन चीज की, और तो बहुत चीजों की कमी है, लेकिन फिलहाल इस समय घड़ी की कमी है। तो मेरे घर में ना वॉच नहीं है, लग रहा है बहुत टाइम से। उसका रीजन ये नहीं है कि हम लोग वॉच खरीदना नहीं चाहते या लगाना नहीं चाहते, पर नहीं, हर वक्त हाथ में फोन रहता है तो बेटा लाल चल रहे हैं ऊपर नीचे, तो हाथ में फोन रहता है तो कोई टाइम पूछता है, खटाक से ऐसे उठा लेते हैं। घंटी बजे, एक मिनट में देखती हूँ कौन है। कोई नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं था, वो नीचे वालों के यहाँ पे था। एक्चुअली एक कॉमन बेल लगी हुई है, तो कॉमन बेल नहीं लगी हुई है, बेल मेरे यहाँ पे लगी हुई है, और नीचे हमारे टेनेंट्स रहते हैं, तो उनके यहाँ भी कोई आता है तो उनको, तो जो आने वाले को तो नहीं पता कि किस फ्लोर की बेल है, तो वो कोई भी बेल बजा देते हैं। तो मैं कह रही थी बज रहा है 9:15, 9:30, और इस टाइम तक मोस्टली मेरा 80% काम हो चुका होता है। 20% वो होता है जो अब मेरा बेटा घूम घूम के जो सामान फेंकेगा, या दिन भर का जो बाकी का काम होता है 20% वो रह जाता है। 80% जो शुरू का सुबह का काम होता है वो हो चुका होता है। बस अब मुझे अपने बेबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है और उसको खिलाना है। इस समय तक वैसे मोस्टली मैं उसको खिलाने बैठ जाती हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया, सैटरडे है, लेजी डे था। इवन दो मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बट स्टिल। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मैं बना रही हूँ एक्चुअली बेसन का चिल्ला। मुझे बहुत ज़्यादा बेसन के आइटम इतनी ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, बस ये कि आई एम नॉट वेरी फाउंड ऑफ इट, बहुत शौक से नहीं खाती हूँ मैं। तो मैं बेसन का चिल्ला बना रही हूँ बेबी के लिए, तो कस्टमाइज्ड है उसी के हिसाब से, और पहले से घोल के मैंने इसलिए नहीं रखा था क्योंकि आई नो उसको थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है, बट बच्चे का खाना ना फिर ढक के रखो और उसको छोड़ दो और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ताज़ा बना के, मतलब अगर मैं सुबह का घोल उसके लिए रखती तो अच्छा नहीं रहता शायद। ऐसा फर्स्ट टाइम मदर्स जितनी भी होती हैं, मुझे लगता है वो सारी मेरी तरह वहमी होती होंगी। और मैं कुछ सामान लाई थी उससे बिग बाज़ार से, कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। जैसे कि आप लोग जो लोग जानते होंगे शायद उनको पता होगा, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे होंगे, कि मैं 2 बार घर को चेंज कर चुकी हूँ। और क्योंकि जो दोनों घर हमारे ही हैं, पर उस घर में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो वो बहुत ही दूर पड़ रहा था, और थोड़ा सा ना उसमें बारिश के टाइम पे बाजू में जो प्लॉट था, मतलब बगल का जो प्लॉट था, उसमें पानी भरना शुरू हो गया था, और उसकी वजह से हमारे घर में सीलन आने लग गई थी। तो बिकॉज उसमें सीलन आ रही थी तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था क्या बोलते हैं वहाँ पे रहना, बिकॉज स्मेल जो है, मच्छर बहुत हो रहे हैं आज, पता नहीं क्या है, स्मेल जो है पूरे में फैल रही थी और बहुत ही डिफिकल्टी हो रही थी हम लोगों को। मतलब सीलन की एक अजीब सी स्मेल नहीं होती है, तो हमें ना वहाँ रहने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। तो वहाँ तो हम लोग जो है, वहाँ से हम लोग शिफ्ट होके इधर आ गए। पर आप लोगों को पता होगा कि मतलब जो लोग शिफ्ट कर चुके हैं या कोई भी चीज़ में ना खर्चा बहुत आता है, तो शिफ्टिंग में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गया, तो बजट पूरा ऊपर से नीचे तक हिल जाता है, और बहुत सी चीज़ें जो टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती है। जैसे अभी मेरे घर में इस समय डाइनिंग टेबल नहीं है, तो मतलब वो हमें लेनी है, बट थोड़ा सा हम लोग वेट करके, हर कोई अपना बजट देख के चलता है, अपने एक्सपेंसेस सब खर्चे सेविंग करके फिर ही, क्योंकि डाइनिंग टेबल कोई इतनी सस्ती तो आती नहीं है कि 2-4 हज़ार की आती हो तो ले लिया, तो इसीलिए उसके लिए थोड़ा सेव करना है। बाकी मुझे गैजेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, चाहे वो फ़ोन हो, लैपटॉप हो, या किचन के गैजेट्स हो। मेरे पास किचन के इतने सारे गैजेट्स हैं, मतलब कि इतने सारे, मतलब कंपैरेटिवली बहुत काफ़ी हैं, बट मेरे पास किचन में जगह ही नहीं है उसको रखने के लिए, ऐसा हो जाता है। तो ये वाली किचन थोड़ी सी छोटी है पहली वाली से, तो इसीलिए जो मेरा जैसे केक वाला, जो केक बनाने वाला जो बड़ा सा वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, है होता मिक्सर ही होता है वो,
अटैचमेंट उसमें लगी होती है, आपने मास्टर शेफ वगैरह में देखा होगा, वो है मेरे पास. फिर मिक्सर जूसर ग्राइंडर एक मेरी मदनों ने दिया था, वो है मेरे पास. मेरी अपनी मिक्सी है, वो है मेरे पास. तो वो मेरे पास जगह ही नहीं बनती है कि चीजें रखूं कहाँ, तो इसीलिए अभी सब पैक करके अंदर रखा हुआ है. हाँ बस अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट. पता नहीं मैं क्यों ये सब बातें करने लग गई बीच में से, सोचा सब शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि अभी आप लोग मुझे ज्यादा जानते नहीं हो और ब्लॉग्स में ज्यादा बना नहीं रही थी, उसका ये रीजन था. मैं सिट डाउन वीडियो ज्यादा करती हूँ, ब्लॉग्स इसलिए नहीं बना रही थी मैं, क्योंकि जब आपके फैमिली मतलब वर्चुअल फैमिली जैसे यूट्यूब की फैमिली या सब्सक्राइबर्स थोड़े से कम होते हैं, तो आप ब्लॉग किसको दिखाओगे, कौन देखेगा आके, कि बार बार लोग हमारे यहाँ की घंटी बजा रहे हैं, पता नहीं अब कौन है, क्योंकि मैंने कुछ मंगवाया भी नहीं है, तो नीचे ही होगा इसलिए मैं जा नहीं रही देखने, कोई होगा तो दोबारा घंटी बजा रहे. वैसे हाँ आज प्लम्बर को आना है तो हो सकता है वो हो, देखती हूँ. तो मेरे बेबी का वो ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, और मेरा क्योंकि मैं चिल्ला नहीं खाती तो मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैं ब्रेड बटर खा रही हूँ. मेरे को ब्रेड बटर का बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत पसंद है ब्रेड बटर. जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं ब्रेड बटर बहुत खाती हूँ, वो बटर सारा आपको मेरे ऊपर दिख भी रहा होगा. और अभी मैं जब तक मैं यहाँ भेजी हूँ तब तक मेरे को दिख रहा है मेरा बेबी सामने ही है. हमारा घर ये वाला एक इस घर का और भी फायदा है कि ये वाला जो घर है ना ऐसे बना हुआ है कि मैं किचन में खड़े होकर सारे रूम्स देख सकती हूँ एक्सेप्ट फॉर ड्राइंग रूम. और अगर मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ तो मैं सारे रूम्स देख सकती हूँ एक्सेप्ट फॉर किचन, क्योंकि वो एडजेसेंट है, बिल्कुल बाजू में है, तो इसीलिए वो नहीं देख सकती हूँ, बाकी मेरे को सब दिखाई देता है. तो जैसे अगर मेरा बेबी मैंने उसको वो चुई चुई वाले वो शूज नहीं होते हैं स्क्वीक करते हैं जो जिनमें आवाज़ आती है वो पहना रखे हैं, तो उससे ये होता है कि मेरे को पता लग जाता है वो कहाँ जा रहा है, तो इसलिए मैंने उसको वो पहना रखा है. लड़कियां तो होती हैं तो उनको तो पायल आप पहना सकते हो, तो मैं अब बेबी को तो पायल नहीं पहनाऊंगी मैं अपने. और क्या कहते हैं, एक और चीज़ ये है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो, अरे यार ये गर्म है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि बार बार मैं मेरा बेबी क्यों बोलती हूँ, एक्चुअली हम लोग का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है सब लोगों के लिए प्रोनाउंस करने में, मतलब कि एक दो बार तो लोग पूछते ही हैं. जैसे मेरा मैरिज से पहले नाम था प्रेशियस पर्ल, आगे सरनेम था जो भी. तो जब भी मैं बैंक में जाती थी तो हमेशा वो लोग बोलते थे कि हाँ ये आप अपनी कंपनी का आधार कार्ड दे दीजिए, तो मैं बोलती थी कंपनी नहीं मेरा नाम है. तो वो मतलब स्पेसिफाई करते थे कि आप अपना पहले पैन कार्ड दिखाओ, तो मुझे हमेशा पैन कार्ड कैरी करना पड़ता था, बिकॉज कभी कोई विश्वास ही नहीं करता था कि मेरा नाम ये हो सकता है. उनको लगता था कि किसी ज्वेलरी शॉप का या किसी की कंपनी का नाम है ये, तो ये होता था. तो इसलिए जो है मुझे थोड़ा सा मतलब लाइक यू नो बार बार उसका नाम मैं बता सकती हूँ, हिज नेम इज़ आइज़ाया, बट बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, इसीलिए मैं बताती नहीं हूँ जल्दी से कि क्या नाम है. तो इसलिए मैं मेरा बेटा मेरा बेबी यही बोलती रहती हूँ. गरम था वो और मैं हमेशा गरम चीज़ें पकड़ लेती हूँ. ठीक है चलिए फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं, फिर थोड़ा सा बिग बाज़ार का जो सामान है वो खोलते हैं. मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा इस समय हो रहा है कि मैं चाय पी लूँ किसी तरीके से. तो थोड़ा सा ये बिग बाज़ार का सामान खोल लेते हैं, ऐसे तो खुलेगा नहीं है, कैंची से ही खुलेगा. बच नहीं गई, एक्चुअली लग गया मुझे. तो इसको खोल लेते हैं, बैग अच्छा है तो मैं बैग फाड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि कपड़े का बैग है तो काम आ जाएगा. तो मैं जैसा कि बता रही थी कि मैंने अभी शिफ्ट किया है, तो धीरे धीरे जैसे आप रहने लगते हो ना, इफ़ यू फाइंड मी ऑल द टाइम लुकिंग ओवर देयर, तो मैं अपने बेटे को देख रही हूँ कि वो बिल्कुल मेरे आईज के सामने खेल रहा है. तो मैं गई थी लेने के लिए कुछ चीज़ें, एक्चुअली लेने कुछ भी नहीं गई थी मैं, घुस गई थी तो मेरे को जो चीज़ें मिल गई थी तो वो मैंने ले ली. थोड़ा पिल्लो पीछे कर दो, हाँ अब आराम से बैठ के देखते हैं. तो फ्रिज में ना जैसे जब आप सब्जियां रखते हो तो आपको नॉर्मली फ्रिज में एक बास्केट तो मिलता ही है, तो बास्केट में कितनी सब्जियां फिट नहीं आती हैं और जगह घेर लेती हैं. तो मेरे को ये दिख गया सामने, क्वालिटी अच्छी है, मटीरियल अच्छा है, और वो छन्नी टाइप वाला मटीरियल नहीं है, इट्स अ गुड मटीरियल.
एंड क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये मुझे 99 में दो मिले. एक्चुअली तो ये सब्जियां इस तरीके से वॉश करने के लिए बनी हुई है, बट क्या कहते हैं, मेरे को इसलिए नहीं चाहिए था, जैसे मेरे को ये इसलिए चाहिए था, मान लो जैसे मैंने इसके अंदर टमाटोज रखने हैं, क्योंकि टमाटोज भी उसमें, सारी सब्जियां भी उसमें तो खराब हो जाती हैं, या मतलब फ्रिज के अंदर ही रखने के लिए, और ये ज्यादा जगह नहीं घेरेंगी, थोड़ी छोटी है, शायद आपको बड़ी दिख रही हो ऑन कैमरा, बट बहुत बड़ा नहीं है, मतलब आप देखो, मैं अपने फेस से कंपेयर करने वाली थी, बहुत ही स्टूपिड आइडिया था, बट ऐसा ही कुछ करने वाली थी. तो एक ये मुझे मिला, एक ये मैंने ले लिया, दिस इज ऑल्सो फॉर द फ्रिज. ये इस तरीके से होता है, ये सब चीजें जैसे आपने ये फ्रिज में ऐसे साइड में रख दिया, जैसे आपके पास सॉसेस है या जैसे पीनट बटर, ये काफी स्पेस वाला है तो इसमें आराम से आ जाएगा, तो आप इसको इजीली ऐसे अपने फ्रिज में फिट कर सकते हो, और जब आपको निकालना हो तो ये हैंडल लगा हुआ है इसके अंदर इस तरीके से, तो आप बस इस हैंडल से इसको ऐसे खींच लो, और आपको जो बॉटल्स चाहिए, चार बॉटल्स की जगह है तो जो बॉटल्स चाहिए वो रख लो आप, क्योंकि एक साइड में जो फ्रिज में जगह होती है उसके अंदर जैम या ये सब फिट आ जाता है तो पूरा भर जाता है. इवन तो हम लोग जैम खाते नहीं है, एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने, रैंडम मेरे मुंह पे आ गया इसलिए. सो ये मेरे को अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया. इस पे 99 लिखा हुआ है प्राइस, हाँ 199 का है, बट मुझे 99 में मिला तो अच्छा प्रोडक्ट था. ये लो, ये आया है, ये देख रहा है सब क्या मम्मा कर रही है, तो उसको कान पे लगा के उसे हेलो बोल रहा है, आजकल हर चीज में हेलो होती है. फिर ये मुझे थोड़े से सोप डिशेस चाहिए थे, वो मैंने ले लिए. ये बस नॉर्मल ऐसे एक्स्ट्रा ले लिए, जरूरत ही नहीं वैसे. ये भी 29 का लिखा था, बट 17 रुपीज उसका ऑफर प्राइस था, तो काफी सस्ता चल रहा था सब कुछ, तो ले लिया. माय सन इज पुटिंग एवरीथिंग इन द माइक्रोवेव का डब्बा जो रखा हुआ है. माय
एक हमने लिया था ये मग और ये इसपे 165 प्राइस लिखा था, बट ये हमें 99 का मिला है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था. ये लो बेटा, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था. हम लोग यही सोच रहे थे कि ये 150-200 रुपए का कप है, बट एक्चुअली क्या है कि समटाइम्स यू नीड अ सेपरेट कप इन ऑफिस और वट एवर, जहां भी उनका मूड था उन्होंने कप उठा लिया. एक कप नहीं, सॉरी, मग. फिर मुझे एक बेलन की जरूरत थी, पिटाई करने के लिए नहीं, बेलने के लिए. एक्चुअली मेरे पास जो रोलिंग पिन है, जो बेलन है, वो बहुत लंबा है. वो एक्चुअली पिज्जा बेलने वाला बेलन है, तो मुझे रोटी वाला चाहिए था. ये 85 रुपीज का है और पता नहीं इसकी कंपनी का नाम पीटी ज्वेल क्यों है, ज्वेलरी वाला, बट ये एक लिया मैंने. ये लो, मैं सब नीचे पकड़ाती जा रही हूँ इसको खेलने के लिए. ये छोटू सा एक बिन लिया मैंने कमरे के लिए, ये वाला क्यूट सा लगा मुझे तो मैंने उठा लिया. एज सच कुछ डालना है नहीं, बस ये है कि छोटे छोटे कागज या कुछ डालना, तो बिट्टू छोटे छोटे कागज या कुछ डालने हो तो उसके लिए वो जा रहा है बेलन लेके. तो ये एक ले लिया, बड़ा क्यूट सा था बेबी के रूम के लिए. बेबी के रूम में कुछ गन तो डालना नहीं होता है, बस यही है छोटा किसी चीज का रैपर या कुछ. ये मग्स मैंने ले लिए थे दो छोटे, रैंडमली जरूरत थी तो उठा लिया मैंने उसको. सारे सामान में से बेलन ही पसंद आया. ये सुई धागा की किट मैंने ले लिया था, ये तो हर किसी को जरूरत पड़ती है. ये अलग अलग कलर्स थे इसमें तो मैंने उठा लिया था ये इस तरीके से. ये पड़ा मुझे 89 रुपीज का पड़ा. ये डस्टबिन जो है मेरे को बहुत महंगा नहीं पड़ा था, 99 रुपीज का डस्टबिन है, क्यूट भी है और मटेरियल भी अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छी थी. ये मैंने कटोरे लिए थे कुछ, क्योंकि मेरे पास कटोरों की बहुत कमी है. ये 79 रुपीज का एक कटोरा है. आई नो कि ये हो सकता है कोई बोले कि महंगा मिल गया आपको, बट हम लोगों ने ये इसलिए लिए क्योंकि आजकल मेरा जो हमारा जो बेटा है वो समय ना ये सब कुछ फेंकने के मूड में रहता है, तो इस समय ना वो वाला एक्सप्लोरेशन वाला टाइम चल रहा है हमारे बेटे का, जो सब चीज फेंकने वाला है. ये 149 का एक्चुअली है, मुझे 79 का मिला. बाहर थोड़ा स्टील वाला लुक है, अंदर मैट फिनिश टाइप है. तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये लो भाई, लो. तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि फेंकेगा टूटेगा है नहीं, ले लो कोई नहीं, 3-4 कटोरे देख लो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा बड़े बोल काम आ जाते. ये लो यहाँ रख के खेलो, ये लो, ये लो. ठीक है, और देख लेते हैं क्या है इसके अंदर. और निकालो भी चुके हैं एक, ये मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी इसकी और अब इनको भी है. ये मुझे कितने का, एक मिनट बाबू देखने दो कितने का. ये मुझे 275 का पड़ा. अच्छा 275 का है ये, बट मुझे 149 का पड़ा. वेलबींग या ऐसे कुछ नाम है, वेलबर्ग इस कंपनी का. मैं पहले भी प्रोडक्ट्स ले चुकी हूँ, अच्छे होते हैं. और इसकी इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि ना जैसे कभी अपने बेबी का इनका मुझे कभी कुछ बनाना होता है, खिचड़ी या दाल, या मुझे उसके ऊपर तड़का लगाना होता है, तो मुझे स्पेशली इतनी बड़ी कढ़ाई उठानी पड़ती है या इतनी छोटी वाली कढ़ाई उठानी पड़ती है, तो ये बहुत कन्वीनियंट रहता है. ये लो, तो ये एक ले लिया था मैंने, इसकी जरूरत थी. ये मेरी फेवरेट चीज है. फेवरेट चीज है मतलब मेरे को ना इस हर चीज के लिए एक डिफरेंट टाइप का जो स्पून होता है उसकी जरूरत होती है. एक मिनट रुको ना यार, ये मुझे 89 रुपीज का पड़ा. ये लो, तो ये जैसे आप कभी ऑमलेट बनाते हो या चिल्ला बनाते हो या ऐसे कुछ बनाते हो तो उसमें काम आ जाता है. मुझे लगता नहीं है जितना सामान लाई हूँ आज बचने वाला है, सब फेंक देगा ये. तो मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से उठा के आप पलट सकते हो, और कोई राउंड चीज होती है ना तो उससे कट जाता है, टूट जाता है मतलब. और क्या है इसमें, हाँ ये लेमन स्क्वीज करने के लिए हम लोग ने लिया है. ये 95 रुपीज का पड़ा, बहुत ही हैवी है. ये दिखने में लग रहा है हल्का प्लास्टिक टाइप का, बट ये मेरे ख्याल से अंदर मेटल है ऊपर प्लास्टिक है, बट अच्छा खासा हैवी है. इजी टू हैंडल, नो स्टिकी फिंगर, इजी टू वॉश एंड क्लीन, नो सीड इन जूस.
अब वो तो निचोड़ के ही पता चलेगा कि सीड्स है कि नहीं। ये लो वो सब ले जा रहे जाके माइक्रोवेव के डब्बे में भर रहा है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा चीजें उठाना। ये मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, एक ये बड़ा साइज में उसमें भी था, क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर में भी था, बट वो बहुत बड़ा था मेरे लिए और मुझे छोटा विपर चाहिए था। मुझे मैं बहुत दिनों से महीनों से सोच रही हूँ ये लेना है लेना है, हर बारी मैं भूल जाती हूँ। और इसको बोलते हैं क्या है, अदरवाइज विस्कर है ये। ये लो ऑरेंज, ऑरेंज कलर, ऑरेंज। अभी वो बोलता नहीं है, डेढ़ साल का ही हुआ है। ये लकड़ी के लेडल्स इसलिए है क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना मैं हर बार जलती जरूर हूँ। यस, तो ये तीन डिजाइन, वन मिनट, ये तीन डिजाइन थे। हाँ बेटा, ये इस तरीके से मैं इसको दे देती हूँ वरना हल्ला करता रहेगा। तो मेरा हाथ हमेशा जल जाता है, हमेशा मेरा हाथ जलता है, तो कुकर को मतलब कुकर में कोई चीज लगा के मैं भूल जाती हूँ और वो मेरा हाथ उस पर छू ही जाता है। तो ये बाहर सिंक के लिए या कहीं के लिए ला के रख दिया मैंने एक्स्ट्रा, क्योंकि सोप डिशेज हमेशा ही जरूरत पड़ती है। ये भी मुझे 17 का पड़ा, जैसे वो ब्लू वाला पड़ा था। ये लो बाबू, और ये भी एक है, ये भी 17 का ही पड़ा मुझे, 29 का था। तो दैट्स इट, इतना ही सब सामान था। और हाँ, बाकी बिल है। तो बेसिकली क्या है कि वो लेडल्स जो है मेरे को इसलिए चाहिए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा तू हमेशा जलती है लकड़ी का ले ले, कम से कम इसको जब कुकर में रखेगी अच्छा खासा हैवी है, 149 में तीन मिल गए थे तो क्या बुरा है। और उन्होंने कहा कि अच्छा खासा हैवी है तो तू ले ले यही, और कम से कम जलेगी तो नहीं। मैं सामने इसलिए देख रही हूँ क्योंकि वो कुछ ना कुछ हरकतें कर ही जा रहा है। तो चलिए फिर आगे, दिन जैसे प्रोग्रेस होता है वैसे आप मेरे साथ साथ चलिए। सब फैला दिया ना तुमने बाबू, लगा हुआ है। गाइस, क्या आपके घर में छोटा बच्चा है? अगर छोटा बच्चा है तो आपके घर की भी हर 15 मिनट में यही हालत होती होगी जो इस समय मेरे घर की है। चलिए इसको साफ करते हैं। ये देखिए सामान सारा कहाँ इकट्ठा हो रहा है घर का। वैसे तो ये फ्रिज में लगाने का था बट मैंने फिलहाल के लिए यहाँ लगा दिया है, उसके अंदर ऐसे खड्डे खड्डे करके, मतलब मैंने पूरी प्लास्टिक नहीं निकाली है, थोड़े थोड़े खड्डे करके ऐसे लगा दिया है। और ये मैंने यहाँ पे ऐसे बोल सजा दिए हैं। मेरा सो गया है और अब मैं जा रही हूँ फॉर अ बाथ, बिकॉज मैंने अपने बालों में लगाया था 1 किलो तेल जिसको मुझे अब निकालना है। तो अब मिलते हैं इंटरवल के बाद। प्लान में कुछ चेंजेस है, अभी पता चलेगा कि आज हम लोग कहाँ गए हैं और क्या करने वाले हैं जस्ट आफ्टर दिस। आज तक किसी की बात की मत नहीं मानी।